नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश गुप्ता। दोस्तों, अभी हम हैं श्री राम पथ पे और आज के इस वीडियो में श्री राम पथ की वर्तमान स्थिति दिखाने वाले हैं। और जो कि अभी हम हैं टेढ़ी बाजार के पास, यहाँ पे बन रहा है जो मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कार पार्किंग और व्यवसाय के लिए जो अड्डा चौड़ीकरण में जिनकी दुकानें गई उनकी दुकानें यहाँ पर बन रही है। और अभी आप देख रहे हैं श्री राम पथ का चौड़ीकरण के बाद जो निर्माण कार्य चल रहा है, नालों का और नालियों का, चैम्बर का और सीवर का, यहाँ पे कार्य आप देख पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप उस शहादतगंज से ले कर नए घाट तक का जो लगभग 13 किलोमीटर का मार्ग चौड़ीकरण के बाद ये देख सकते हैं, ये नाला बनाया जा रहा है इस साइड से उस साइड का। रोड क्रॉसिंग वाले नाले हैं जो उधर से पानी जो इधर साइड में आते हैं उनके नाले बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो ये बन रहा है इसमें अनेक प्रकार के केबल बन पड़ेंगे। जो बड़े वाले नाले हैं साइड में जो बन रहे हैं, उसके बगल एक छोटा नाला बनेगा जिसमें नाली का जो सप्लाई का पानी है नाली वाला है, वो वाला रहेगा। और सीवर का काम भी हो रहा है, बीच बीच में जो सीवर है वो भी काम शुरू हो गए हैं श्री राम पथ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं साकेत डिग्री कॉलेज है, ये हमारे दाएं तरफ। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा हो गया है काम, ढक्कन भी लग गए हैं। अब इसके बगल एक छोटा नाला बनना है जो लगभग लगभग 2x2 का बनेगा। और भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ का भी कार्य सेम चल रहा है, अभी नाले का काम चल रहा है। और इसके अलावा जो श्री राम जन्मभूमि पथ है वो लगभग लगभग पूरा होने के कगार पे है। और वहाँ पे जो रोड बनने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गए पत्थर वाले। और इसके अलावा जो अगल बगल दीवारें चलनी थी जो कि लगभग काफ़ी ऊंची दीवारें उठनी हैं अगल बगल, वो उठ रही है जो कि आरसीसी की दीवार उठ रही है। अगर यहाँ पे देख पाएँ तो मसाले जो मिक्सर मशीन है उसे मसाले की ढलैया हो रही है इसके ऊपर ढक्कन पड़ के। और आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं रोड के ऊपर है इसका लेवल और कहीं कहीं रोड के काफ़ी नीचे है एक फीट तक। यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे पानी की सप्लाई भी की जा रही है ताकि जो धूल है उसे कंट्रोल पाया जा सके, क्योंकि तो काफ़ी मिट्टी है इसके कारण बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशानी ना हो, इस कारण समय समय पर पानियों का छिड़काव भी किया जाता है रोड पे। और यहाँ पे देख पा रहे पूरा एक लाइन से रोड के बीचों बीच है, इस साइड में किनारे हो रहा है इस साइड में रोड के बीचों बीच हो रहा है, क्योंकि हमारे जो दाएं साइड में है यहाँ से ही एक रेलवे लाइन गई है जो कि ये लाइन है अयोध्या लखनऊ दिल्ली का लाइन है ये रेलवे लाइन, इसलिए इस लाइन को बीचों बीच रोड के खोदा जा रहा है क्योंकि आगे ये लाइन रोड से कनेक्ट हो जाती है। और ये हमारे दाएं साइड में देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं खुदाई का काम चल रहा है, मिट्टी निकाली जा रही है। और यहाँ पे उदया चौराहे के बाद आरओबी का निर्माण हो रहा है जो कि रोड के बीचों बीच का जो पुल का काम है वो हो रहा है, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया है। और यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ पे पूरा रोड की खुदाई हो रही है।
लगभग लगभग हम लोग उदया चौराहे के पास आ गए हैं। यहाँ पे अभी मिक्सर मशीन का काम चल रहा है जो कि इस साइड में है, और यहाँ पे काफ़ी जाम हो गया है इस रूट की तरफ। और यहाँ से हम निकलेंगे पेट्रोल पंप, और क्योंकि पेट्रोल पंप से थोड़ा तेल भी डलवा लिया जाए। दोस्तों अगर यहाँ पे आप देख पाएँ तो उदया चौराहे के पास हैं हम, और उदया चौराहे पे जो बीच के जो जॉइंट का काम है, जो मेन रोड का जॉइंट ROB है, इसका काम हो रहा है, जो कि अभी इसका जो शटरिंग का काम है वो चल रहा है, इसके बाद ढलाई का काम शुरू हो जाएगा। और इसके जो लास्ट छोर है दाएं बाएं का, जो उदया चौराहे पे निकलता है और जो परिक्रमा मार्ग इधर साइड निकलता है देवकाली की तरफ, उसका लास्ट छोर बनना बाकी है। और लगभग लगभग आप मान के चले टेढ़ी बाजार का जो ROB है और उदया चौराहे का जो ROB है, लगभग लगभग इसका काम पूरा हो गया है। जो लास्ट छोर है, बीच का छोर है, वो काम बाकी है। अगर यहाँ देख पाएंगे तो यहाँ पे जो है जो ज़मीन की ढलाई है इस नाले की, मान के चलिए तो इसकी ढलाई हो गई है नीचे की, इसके अगल बगल का काम बाकी है। और अभी हम आ गए हैं ITI राजकीय औद्योगिक शिक्षण केंद्र। और ये देखिए काफी चौड़े चौड़े गड्ढे किए जा रहे हैं, काफी चौड़े चौड़े। अभी तो काम सिर्फ इसी का हो रहा है, अभी दोनों तरफ काम चल रहा है, लगभग कुछ कार इधर हो गए हैं, कहीं इधर हो गए हैं दाएं बाएं, और दोनों तरफ नाला और नाली दोनों बनना है। इसके अलावा सीवर भी साथ में पड़ रहा है, जो कि अद्दा कैंड की तरफ जो सीवर का काम वहाँ नहीं हुआ है वो पड़ रहा है उधर। और इन सब के होने के बाद जो रोड का निर्माण है वो शुरू होगा। बेनीगंज की तरफ हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं अभी इधर का भी काम चल रहा है। हमारे दाएं साइड में अगर जो बिल्डिंग देखेंगे, ये भी कार पार्किंग और व्यवसाय के लिए बनाया गया है, जो कि काफ़ी भव्य, बहुत ही सुंदर, जब ये बन जाएगी बिल्डिंग बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगी। इनके जिनके दुकानें जाएंगी उनको यहाँ पे दुकानें दी जाएंगी। उन सभी का अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है, बस कंप्लीट होने के बाद उन लोगों को दे दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे बाएं साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी अब गड्ढा होने लगा है,
इधर की तरफ, जो कि अभी इधर नहीं हो रहा था, और हमारे दाएं तरफ गड्ढा हो चुका है, ये सब काम पूरा हो रहा है। फिर इसको लॉन है हमारे दाएं साइड में शादी विवाह समारोह के लिए, बहुत ही बढ़िया जगह है अंदर और काफ़ी उजड़ी हुई लग रही है पूरी अयोध्या। अब जल्दी से जल्दी साल भर के अंदर इन सब चीज़ों को कंप्लीट करके गवर्नमेंट को देना है, चाहे वो सीवर का काम हो, चाहे वो रोड हो और जो भी हो, उन सभी को दिसंबर लास्ट तक का समय दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे ये नाला है जो कि काफ़ी चौड़ा नाला है, यहाँ पे भी ब्रिज का काम चल रहा है, जो कि न्यू का काम नीचे चल रहा है, न्यू हो रहा है, न्यू भराया जा रहा है। और हमारे इसके दाएं बाएं साइड जो पुल है वो बन जाएगा, उसके बाद बीच का तोड़ दिया जाएगा। और हमारे दाएं साइड में जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, जो काम था उसके बाद मिट्टी डाल दी गई है। और मौसम तो बहुत गर्म है एकदम, मान के चलिए 40 के आसपास का तापमान चल रहा है अयोध्या में। हमारे दाएं साइड में जो देख रहे हैं ये सीवर का काम हो रहा है, सीवर का काम हो रहा है यहाँ पे, और सीवर के साथ साथ रोड निर्माण, इन सभी चीज़ों का काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। और अभी हम लोग आ गए हैं साहबगंज में, साहबगंज क्षेत्र है। और अभी हम हैं हनुमानगढ़ी से, लगभग मान के चलिए 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर आ गए हैं हनुमानगढ़ी मंदिर से, जो कि ये है मान के चलिए 13 किलोमीटर का मार्ग नए घाट से लेकर साहबगंज तक का, और लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से इस रोड का निर्माण हो रहा है, जो कि 20 मीटर चौड़ी ये रोड है बनाई जा रही है। और यहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाएंगी जब बन जाएगा, फुटपाथ रहेगा, इसके अलावा बेंच वगैरह, हरियाली का पूरा ख्याल रखा जाएगा, जो बेंच वगैरह लगेंगे उसमें चार्जिंग का भी पॉइंट रहेगा, और शौचालय डिलक्स वगैरह इन सब को अच्छे से बनाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सीवर का ही काम हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। यहाँ से बाहर निकल जाएंगे मकबरा कह रहे हो, गुलाब बाड़ी निकल जाएंगे, हम चलेंगे सीधे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं अभी मंदिर को हटाया जाएगा, अयोध्या में कई सारी मंदिरें और मस्जिद हैं जो अभी हटाई जानी बाकी हैं, बहुत से मंदिर मस्जिद हैं जो अभी हटाई जानी हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं टंकी वगैरह थी वो सब तोड़ दी गई हैं, और काम यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अभी हम लोग आ गए हैं अयोध्या कैंट चौक के पास, और रामपथ का निर्माण का सीवर का काम, चैम्बर का काम सब चल रहा है यहाँ पे। और आपको डेट बता दें दोस्तों, आपका डेट है 18 तारीख आज है, अप्रैल की ये वीडियो है, और हम लोग को लगभग पहुंच गए अयोध्या कैंट। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी निर्माणाधीन चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे जो चैम्बर का काम है, ये देखिए रोड से ऊपर है, और कहीं कहीं रोड के एकदम नीचे बनाया जा रहा है, ये रोड के लेवल का है, हल्का ऊपर भी है,
और इसके अलावा बहुत से जगहों रोड के नीचे एकदम है। अब कोई है जो कि अपने हिसाब से इंजीनियर लोग काम कर रहे हैं, जाम के हमेशा, क्योंकि हमारे दाएं साइड में देख सकते हैं गड्ढा हुआ है और बाएं साइड में भी गड्ढा हुआ है, दोनों तरफ गड्ढा है, इस कारण जाम की समस्या तो होगी ही। यहाँ जाम की समस्या हमेशा रहती है क्योंकि काफी घनी आबादी क्षेत्र है ये। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं सीवर का भी काम हो रहा है, गड्ढा जो है वो भी हो रहा है, नाले का काम भी हो रहा है। यहाँ से चलेंगे हम बाएं, यहाँ की जो मकाने हैं दुकानें हैं वो सब हट गई है। और ये अध्याकांड चौक है, और यहाँ पे जो बंदी है मतलब साप्ताहिक बंदी वो कल होती है, यानी बृहस्पतिवार को यहाँ बंदी होती है, और बुधवार को अयोध्या में बंदी होती है, अध्याकांड में बृहस्पतिवार को बंदी होती है, दोनों जगह अलग अलग दिन साप्ताहिक बंदी होती है। और यहाँ पे भी काफ़ी निर्माण कार्य होने हैं, जो अवैध अतिक्रमण है वो सब हटाए जाने वाले हैं, क्योंकि ये घंटाघर है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आप चैनल पर न हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय सियाराम।